ना भल्ला नहीं करना गुड मॉर्निंग इन लोग थोड़ा थोड़ा ले लिया गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वॉइस आ रही है मेरी गुड मॉर्निंग मैम मेजर ऑफ डिस्पर्सन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे याद है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेन डिविएशन आई थिंक आप लोग को मैं बताई थी क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने सबसे पहले तो क्यूडी सॉल्व किया था फर्स्ट में जिसमें रेंज निकाला था हमने इंटरक्वार्टाइल निकाला था परसेंटाइल रेंज निकाल लिए थे मीन डिविएशन अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ एवरेज डिविएशन के दो पार्ट है एक आपका मीन डिविएशन है एक स्टैंडर्ड डिविएशन जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उसी के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ठीक है अब आपका सेकंड जो पार्ट है वो आपका मीन डिविएशन का है जिसमें आपके इंडिविजुअल सीरीज आएंगे कंटिन्यूस सीरीज है ये दो सारे सीरीज वही है जैसे हम बनाते हैं ओनली फॉर्मूला आपको चेंज मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले चलिए ओपन योर बुक
पेज नंबर 144 दिख रहा है सभी को, पेज नंबर 144। बेटा आप लोग सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में सबसे पहले हम मीन डिविएशन का इंडिविजुअल सीरीज अंडरस्टैंड करेंगे। ओके From the following data compute mean deviation coefficient। अब देखो पहले भी मैंने आपको बोला है कि स्टैटिक्स में आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन याद करने हैं, ठीक है। स्टैटिक्स के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपको रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मीन डिविएशन में MD समेशन मोड डी मोड अपॉन एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स हमारा एक्स दिया हुआ है, ठीक है। समेशन का मतलब होता है टोटल, तो इसका टोटल कितना आया 510। मीन निकालोगे सबसे फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या रहता है, सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेट टोटल एक्स एंड डिनोटेड सम समेशन एक्स। उसके बाद कैलकुलेट मीन बाय अप्लाइंग फार्मूला, मीन फार्मूला से पुटअप करेंगे। उसके बाद डिविएशन फ्रॉम मीन प्लस माइनर को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस को आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। उसके बाद स्टेप ऑफ डिविएशन मोड डी ये निकालेंगे हम, कैलकुलेशन मीन डिविएशन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब क्या करोगे, सबसे पहले मीन निकालोगे, मीन निकाले तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, आई थिंक सभी को मीन निकालना आता है, समेशन एक्स अपॉन एन। टोटल कितना हमारे पास, इस ये जो होता है साइन, इसका मतलब होता है टोटल। तो 510 अपॉन 10 आया, कितना आ गया 51। अब क्या करोगे, जो 51 है उसको एक्स से माइनस करोगे तो ये वाला वैल्यू निकलेगा, ठीक है। इस वैल्यू में आपको प्लस और माइनस का साइन को इग्नोर कर देगा। अब MD का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन मोड डी मोड एन टोटल 200 अपॉन 10 आंसर आ गया। ये कोफिशिएंट निकालने बोलेगा, MD अपॉन मीन करोगे 20 ये निकल गए, ठीक है। वैसे ही एग्जांपल नंबर 5 बनाओगे, एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका इंडिविजुअल सीरीज है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 6 जो है डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करोगे आप, यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करोगे, जिसमें मोड डी निकालना होगा। इस क्वेश्चन को देखो जो डिस्क्रीट सीरीज का है, यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 6 में कैलकुलेट मीन डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया हुआ है और पर्सन ऑफ इन्वॉल्व दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट में 1 से लेके 7 तक दिया, नंबर ऑफ आइटम, पर्सन इन्वॉल्व कितना दिया हुआ है 10, 12, 15, 6, 4, 3, 7। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट ये तो आपका हो गया, अब उसके बाद जो पर्सन इन्वॉल्व दिया है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे दोनों वैल्यू दी है। अब आप क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में एन हमारा इसका टोटल हो गया, ये एक्स है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक आइटम को एक दूसरे आइटम से क्या करते हैं, वेरिएबल से प्लस करते हुए जाते हैं,
तब हमारा कुमुलेटिव एफिशिएंसी निकलता है, जैसे 10 का 10, 10 12 कितना हुआ 22, 22 15 37, 37 और 6 43, 43 प्लस 4 47, ऐसे करके इस वैल्यू को पूरा हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मोड डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोड डी निकालने के लिए आप मीडियन का यूज करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट मीन डिविएशन मीडियन के थ्रू निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन प्लस वन अपॉन टू, ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, मीडियन का क्या है फॉर्मूला, क्या है मीडियन का फॉर्मूला, आरती, मिनी, रुमेना, शिवम, तनु, शर्मा, क्या है मीडियन का फॉर्मूला? मैम सिंपल की डायरेक्ट मीडियन तो सेम होता है ना, इसका कोई सिंपल डायरेक्ट नहीं रहता मीडियन का। मीन और मीडियन जो है कॉमन है, जैसे मीन का फॉर्मूला क्या आपका, समेशन एफ एक्स भी हो सकता है एक्स अपॉन एन, वैसे मीडियन का भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, एन प्लस वन अपॉन टू, ये मीडियन का यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन निकालने के एन हमारे पास 57 है, 57 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ गया 58 बाई 2, आंसर आ गया आपका 29। अब 29 को देखते हैं किसमें आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 29 कितने नंबर में आ रहा है, कितने में आएगा 29, 22 के बाद 37 में आना चाहिए, तो 37 के सामने वाला जो हुआ हमारा 3 आइटम, नंबर ऑफ 3 कितने हो गए 3, मीडियन निकलने के बाद अब 3 से क्या करोगे, इसको माइनस करते हो जाओगे, जो मीडियन आएगा ना आपका 3, देखो क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी सभी को आ गया निकालने, हमको निकालना है मोड डी निकालना है, तो मोड डी के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मीडियन के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एन प्लस वन अपॉन टू, तो निकल जाएगा 57 में इतना, ये 3 आइटम का, 3 को आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट के वैल्यू से माइनस करते जाओगे तो मोड डी निकलेगा, फिर एफ डी, तो डी और एफ कौन सा, ये इससे मल्टीप्लाई करते, सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑक्टेन क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, फिर फाइंड आउट मीडियन अप्लाई करना है, फिर कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम मीडियन, प्लस माइनर को इग्नोर कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डेविएशन करना है, मोटी निकालना है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट बोलेगा तो कोफिशिएंट निकालना, बन जाएगा मीन मीडियन के क्वेश्चन। और ये है कंटिन्यू सीरीज में आपके मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दी होती है, क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, चलो बनाओ तो एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6 कॉपी में बना के अभी दिखाओगे मुझे। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद सेम ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है। ठीक है, मीन डिविएशन का आई थिंक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं है, पूरे एग्जाम्पल्स बना लेना आप लोग।
क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हो गए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के? स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हो गए हैं? कहाँ तक हो गया बताओ? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन आवर कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 6 इंडिविजुअल सीरीज से बनेगा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्रीट सीरीज. क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू सीरीज से बनेगा यहाँ से आपका. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी मोर देन है, इसको भी आप बना लोगे.
क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी को डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। मैम क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ तक हो गया बताओ मुझे। बना है सभी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक, क्योंकि 13 आपका क्वार्टाइल ड्यूरेशन है, 13, 14, 15, ओनली 13, 14 क्वार्टाइल है, क्यूडी निकालना है। अभी देखो हमने मीन ड्यूरेशन अंडरस्टैंड किया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका मीन ड्यूरेशन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 16 अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया है ना। यस मैम। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको कैसे बनाना है, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे थे मीन ड्यूरेशन का, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज देख रहे। कंटिन्यू सीरीज में हमेशा क्लास इंटरवल दिया रहेगा, याद रखना, पहले भी मैं बताई हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको आप डिस्क्रीट सीरीज से बना सकते हो, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला कंटिन्यू सीरीज से बन जाएगा। प्राइस दिया है उसको एक्स कर लेते हो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं। इसमें बना के देखो तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। ट्राई कर सकते हो कि नहीं क्वेश्चन नंबर 16? यस मैम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करे, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता रही हूँ ना, इसलिए ट्राई तो करो।
बन रहा है? यस मैम। पहला दिन है ना, टेंशन आ गया तो आज पूरा ले लो ना, लेना आपको बहुत दिन हो गया था, कहना इतने प्यार से घर में रह रही थी, अब प्यार कर बन गया क्वेश्चन नंबर, बन जाएगा 16। कहाँ तक सॉल्व हुआ ये बताओ पहले, कौन कौन बना रहा है, वीडियो ऑन करिए आप लोग। ट्राई कौन कर रहा है, आरती? अदरवाइज मैं बता रही हूँ फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है।